हाय दोस्तों नमस्ते। तो देखिए आज मैं फिर आई हूँ पटल की नई रेसिपी लेकर। तो देखिए मैंने यहाँ पे आधा किलो पटल लिया है। देखिए मेरा ये बड़ा बड़ा पटल है। पटल को हम अच्छा ये ऐसे करके हम पतला वाला छिलका उतार लेंगे। छिलका उतार लेंगे हम, फिर अच्छे से धोकर हम कपड़े से पोंछ लेंगे। तो देखिए दोस्तों हम अच्छे से कपड़े में सुखा लेंगे, पटल को पोंछ लेंगे। तो देखिए मैंने पोंछ लिया है पटल को। मैंने थोड़ा कुछ यहाँ पे करके रखा है। मैं पटल का ये भरता पटल भरा हुआ बनाऊंगी। तो देखिए ऊपर से मैं दोनों पट्टी से कट कर लूंगी। अब बीच से हम चीरा लगा लेंगे, इसे पटल का कलौंजी भी बोलते हैं। देखिए इसे हम चीरा लगा लिए। अब चम्मच से पीछे का जो है हिस्सा है इसे फाक करेंगे, हल्का सा ढुकाएंगे। देखिए इजिली आपका जो अंदर में जो पूरा बीज है पूरा निकल जाएगा। पर पका हुआ बीज रहेगा तो मत लीजिएगा, जो थोड़ा कच्चा रहेगा वही लीजिएगा। तो देखिए इतना इजिली आपका निकल के आ जाएगा बीज। ध्यान रखिएगा कि आपका पटल पूरा कटे ना, सिर्फ आपको लंबा चीरा लगाना है, मुँह से निकालना है। देखिए एक पट्टी का मेरा जॉइंट है। तो देखिए इतना इजिली निकल चुका है, ऐसे ही कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने सब पटल का बीज को निकाल लिए हैं। देखिए मैंने इतना सारा बीज हुआ है बीज। ये जो मैंने 5-6 हरी मिर्च लिया है, दोनों को हम अच्छा सा पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। हमने एक बड़ा प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, उसको भी हम चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेंगे दोनों के संग में। तो देखिए दोस्तों मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया, उसको अच्छे से मैंने गरम कर लिया है। उसमें हम 2 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग डाल के अच्छे से चला देंगे। मैं हम चॉप किया हुआ टमाटर और प्याज डाल देंगे। अब 2-3 मिनट अच्छे से प्याज और टमाटर को भूनेंगे। देखिए दोस्तों मैंने 2-3 मिनट अच्छे से प्याज को हाई फ्लेम पे मैं भून लिया है। अब इसमें हम आधा चम्मच सौंफ दे देंगे। सौंफ आपको सौंफ पाउडर है तो वो दे दीजिए। मैंने तो यहाँ पे थोड़ा सा मंदस्ता में थोड़ा सा ये कर लिया है, तोड़ लिया है, क्रश करके मैंने दे दिया है। आप बस पाउडर होगा वो दीजिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सब सामान ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो डाल देंगे। उसमें हम हल्दी भी डाल देंगे, हल्दी पाउडर छोटा 1 चम्मच है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच में कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालूंगी। मैंने हरी मिर्च डाला है तीखेपन के लिए। आपको अगर ज़्यादा तीखेपन पसंद है तो आप झाल वाली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, तीखे वाली। इसे अच्छे से चला लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल देंगे। धनिया पाउडर थोड़ा सा डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें अपने हिसाब से अमचूर पाउडर डाल देंगे। मैंने 1 चम्मच डाला है, अब अपने हिसाब से डाल लीजिए। और मैंने छोटा 1 चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला भी लिया है, अच्छे से चला लेंगे। इसमें जो मैंने हरी मिर्च और पटल का बीज का जो मैंने पेस्ट बनाया वो डाल देंगे। सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, इसे नमक को भी मिला लेंगे। अब ढक्कन लगा के 7-8 मिनट हम लो टू मीडियम में ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, हमारा मसाला अच्छे से भुनेंगे। तो चेक करते दोस्तों मेरे 7-8 मिनट हो चुका है लो टू मीडियम में मैंने पकाते हुए। तो देखिए दोस्तों हम मसालों को अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे मसालों को ठंडा कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए दोस्तों मसालों को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, अब हम पटल में भरेंगे। तो हमें इस तरह पकड़ना है, अपने हिसाब से इसमें मसाला ऐड कर दीजिए। देखिए हमने 1 चम्मच लिया है, देखते हैं। देखिए थोड़ा सा और मसाला देख के भरिएगा कि पटल का बाहर ना आए, पटल का अंदर ही रहे। देखिए हाथ से ऐसे करके कर दीजिएगा, अगर बाहर आता हो तो। बस ऐसे करके सब पटल हम भर लेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने सब पटल में मैंने मसाला को भर लिया है। अब देखिए हमने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। इसे तेल को अच्छे से हम गरम करेंगे। तो देखिए दोस्तों मेरा तेल अच्छा से जल चुका है। अब इसमें हम धीरे धीरे पटल को सब छोड़ देंगे, ऐड कर देंगे मेरा भरवा पटल को। देखिए मेरी तरह भरवा पटल बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, सिंपल तरीके से। मेरा डिश अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो
अगर मेरा रेसिपी पसंद है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो उसको फॉलो करिएगा। उसको धीरे धीरे सब कर देंगे। देखिए दोस्तों, मेरे सब पटेल को मैंने अच्छे से सजा दिया है। देखिए अब हम ढक्कन लगा कर लो टू मीडियम में 5 मिनट के लिए उसे ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे। दोस्तों मेरा 5 मिनट हो चुका है, मैंने ढक्कन रखा था, अब चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, लगता है कि पानी छोड़ चुका है। हाँ, पानी छोड़ चुका है दोस्तों। धीरे धीरे इसे पलट देंगे पटेल को। तो दोस्तों पलट दिए हम ढक्कन लगा के, फिर हम 5 से 6 मिनट छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, सब मिला के मेरा 10 से 12 मिनट लगा है। मैंने उलट पलट के मैंने पटेल को अच्छे से मैंने पकाया है। तो देखिए दोस्तों, अब इसको ऑफ कर देंगे, अब इसे सर्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरा तैयार है भरवा पटेल बन के, बहुत ही टेस्टी बन के आते हैं। ऐसे दाल चावल के साथ सर्व करिए, रोटी के साथ खाइए। आप भी अब घर में बना के ट्राई करिएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।